हेलो गाइस, हम लेके आ गए हमारा न्यू व्लॉग जो कि है पूरा एग्जाम के ऊपर। आज गाइस मैं आपको मतलब हमारी अंदर की पूरी बात बताने वाली हूँ कि हम एग्जाम के पेपर्स जो है एग्जाम कैसे लेते हैं, बच्चों को कैसे करवाते हैं, ये सब कुछ। तो यहाँ पे देखो, सुबह सुबह हमारे सारे पेपर्स आ गए थे और हमें ये सारे क्लास में पहुँचाने थे। तो ये देखो, जिनल मैम निकल गए पेपर देने के लिए और अभी आ गए हम क्लास में। तो यहाँ पे देखो उन लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट, खुद काजल मैम भी ड्यूटी पे लग गए देखो एग्जाम के टाइम पे। और अभी यहाँ पे एक बेंच पे हम दो को बिठाते हैं, एक इस साइड एक उस साइड, दोनों के बीच में डिस्टेंस रखना। ये देखो मैंने ग्रंथ को बोला भाई दूर बैठो, ऐसे नहीं चलेगा। और फिर ये देखो हमने उसको क्या टिप्स दी एग्जाम के लिए। इरेजर यूज नहीं करना है। हाँ, शांति से सोच के ही लिखना आता है ना कांतन, सब कुछ। वेरी गुड द्विती, आपको स्टार्ट भी कर दिया। वेरी गुड। तो ये थोड़े बहुत कॉमन रूल्स थे जो मैंने उन लोगों को बता दिए कि आप ये यूज नहीं कर सकते, आपको ऐसे करना है। और सारे बच्चों को तो पेपर आ ही रहा था, ये देखो। सबकी एग्जाम बाकी है तो अभी क्या कर रहे हो? रीडिंग, रिवीजन, एग्जाम का टेंशन है? तो यहाँ से बच्चे जो है वो रोल नंबर वाइज बाजू वाले क्लास में जाते हैं और वहाँ पे एग्जाम देते हैं। इस तरह से यहाँ पे सब अभी इंग्लिश रीडिंग का ग्रुप में इंग्लिश रीडिंग कर रहे थे। मस्त से लिखना, नीट एंड क्लीन, अभी कोई टेंशन नहीं है। अरे वाह, क्या बात है। और अभी आ गए हम ऊपर गुजराती सीनियर के जी के क्लास में। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे भी ऐसे एग्जाम्स लेते हैं, ऐसे एग्जाम ले रहे मैम कि एक बेंच पे एक को बिठाया है और ये सारे देखो उन्होंने लिखना भी स्टार्ट कर दिया है। ये सारे बच्चे भी देखो एकदम मस्त से पूरा लिख रहे। और अभी आगे गाइस मैं आपको बताने वाली हूँ, नेक्स्ट डे जब मैथ्स का पेपर था और मैंने उन लोगों को पूछा कि आज क्या करोगे, तो ये देखो उन लोगों का आंसर। अच्छा, अभी आज किसका पेपर है? सबको आ रहा है मैथ्स में? वेरी गुड। दूर 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 बैठो, दूर दूर। यस, नो चीटिंग। सब अपना पेपर खुद लिखेंगे। वाह, क्या बात है। मतलब हमारे बच्चे बहुत ही पावरफुल है, प्लस कॉन्फिडेंस है, कोई टेंशन नहीं है उसमें। क्या टेंशन लेने का, एग्जाम्स आती रहती है। अभी आगे गाइस मैं आपको बताने वाली हूँ कि नर्सरी की जो होती है हम एग्जाम नहीं लेते हैं, तो उन लोगों के लिए हम पूरा उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट जो होता है 6 मंथ का वो रेडी कर रहे करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैम जो है वो ले रहे हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि वो कैसे करवाते हैं। आप
बिट्स ऑफ पेपर। वाओ गाइस, मतलब अब देखो कि ये बच्ची इतना मस्त कर रही है तो उसकी खुशी जो है वो हीना मैम के फेस पे भी साफ दिखाई दे रही। हमारी एक बच्ची नहीं, सारे बच्चे जो है वो मतलब मस्त से करते हैं सब कुछ। थर्सडे तो इस तरह से गाइस, मतलब बच्चे को सारा मतलब हमने 6 मंथ्स में जितना भी करवाया है वो बारी बारी से उनको पूछा, वो जिस तरह से आंसर करता है उस तरह से उसको ग्रेड मिलता है। इस तरह से अभी मैं जो है वो रिकग्नाइजेशन करवा रही हूँ, जो कितना रिकग्नाइज कर रहा है, कितना पहचान है, फिर उसी के इस तरह से हमारी पूरी मेथडी का डेवलपमेंट होता है। तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो भी होता है, हियरिंग सेंसेस, यूअर सेंस के वो भी उसकी कितनी इम्प्रूव हुई है कितने हद तक, ये सब कुछ मतलब जो है ये पूरे रिपोर्ट में हम उन लोगों को देते हैं। नर्सरी के बच्चे बहुत छोटे हैं तो हम लोग सोचते हैं कि उसके लिए एग्जाम हो तो एग्जाम से ज्यादा मतलब बेटर है कि उसका ऐसा एक रिपोर्ट बनाए कि जो उसकी स्किल्स जो है वो कितनी डेवलप हुई है उस पे बना हुआ हो। तो इस बार हमने मतलब ऐसा किया था और ये रिपोर्ट्स लेने के बाद मैम ने पर्सनली सारे पेरेंट्स के साथ मीटिंग की थी। तो यहाँ पे ये देखो काजल मैम जो है वो रिपोर्ट्स एक्सप्लेन करते जा रहे हैं और उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है या आपको कुछ प्रॉब्लम है। इस तरह से तो इस तरह से गाइस मतलब सबके साथ मीटिंग की थी और उन लोगों को पूछा था कि मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं यही सब कुछ। अभी आगे देखो गाइस एक पेरेंट्स आए और उन्होंने हमारे साथ क्या शेयर किया, बहुत ही मजेदार है तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो इस तरह से गए, जब पर्सनली मीटिंग करते हैं ना तभी समझ में आता है कि बच्चे का प्रोग्रेस कितना हुआ है और उसके मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ये सब कुछ। तो हमें भी मीटिंग्स लेके बहुत अच्छा लगा। और अभी यहाँ पे सीनियर के जी के एग्जाम्स जो थे मतलब पेपर्स जो थे वो खत्म हो गए थे तो यहाँ पे चल रहा था पेपर चेकिंग। तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करना चाहती हूँ कि पेपर चेकिंग हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो हैंसी मिस जो है वो पेपर चेक कर रहे हैं। तो हमारा पेपर चेकिंग जो होता है मतलब एकदम एक्यूरेट करना होता है।
मैंने उन लोगों को बोला था कि इरेजर यूज नहीं करना है, वो लोग खुद लिखते, अगर इरेज करना है तो वहां पे मैम उसको छोटा सा स्टार बना देते, ये उसकी वजह से कि पेरेंट्स को पता चले कि बच्चे ने बोला था तभी मैम ने इरेज किया है इसकी वजह, इसलिए। तो यहाँ पे ये देखो पूरा चेकिंग, अब देखो कितने मस्त से, मतलब स्मॉल स्मॉल थिंग के साथ भी राइट है रॉन्ग है वो सब कुछ किया हुआ है। अभी और था खनक का बर्थडे, तो ये देखो और उसके बर्थडे पे मतलब वो सारे स्टूडेंट्स के लिए, पूरे क्लास के लिए गिफ्ट्स लाई थी। और गिफ्ट्स देखो ये सबको वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके फादर और मदर दोनों आए थे स्कूल पे, वो भी चाह रहे थे मतलब कि खनक को देखना और मतलब उनके हाथों से दिलवाना। तो यहाँ पे ये देखो उसके फादर उसको पास कर रहे और वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही इस तरह से। और बच्चे ना छोटे से भी गिफ्ट मिलते हैं ना तो खुश हो जाते हैं। और हमारा एक रूल्स है कि कोई चॉकलेट्स ऐसा कुछ भी नहीं, अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो बच्चों को मतलब यूजफुल हो ऐसे कोई भी चीज आप उनको गिफ्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी मतलब सेम यही चल रहा था। तो आई होप आप सबको मतलब ये पूरे व्लॉग में मजा आया होगा। अब मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि आगे के हमारे जितने भी व्लॉग्स आने वाले वो सारे होने वाले हैं डे सेलिब्रेशंस के ऊपर, यानी कि होने वाले बहुत ही धमाकेदार। तो गाइस वो देखना मत भूलना। और इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं खत्म। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।